अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम अपना अपना गरेबान में मतीउल्लाह जान। दिसंबर 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में अंधोनाक सानहा हुआ, जिसमें 150 से ज़ायद बच्चे और असातिज़ा शहीद हुए। उसके बाद एक कौमी एक्शन प्लान तरतीब दिया गया ताकि दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी और मुअस्सर कार्रवाई की जाए। 1.5 साल गुजरने के बाद आज हुकूमत ने उस कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए एक कमेटी या टास्क फोर्स तश्कील दे दी, और ये टास्क फोर्स या ये कमेटी भी एक और सानहे के बाद तश्कील दी गई, और वो है क्वेटा का सानहा, जिसमें 60 से ज़ायद अफराद जाँबहक हुए, जिनमें बड़ी तादाद बलोचिस्तान के उन वकला की थी कि जो अपने काम की वजह से मारूफ थे और पेशावर वकील थे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे और इंसानी हकूक की बात भी करते थे। आज एक अहम इजलास हुआ वज़ीर आज़म हाउस में, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ नवाज शरीफ ने की। उस इजलास में वज़ीर दाखला, वज़ीर खारजा और आर्मी चीफ के अलावा दूसरे खुफिया इदारों के सरबराहान ने भी शिरकत की, और उस इजलास में ये फैसला हुआ कि अब एक अमल दरामद कमेटी, इम्प्लीमेंटेशन कमेटी या टास्क फोर्स कमेटी बनाई जाएगी, जिसकी सरबराही मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर खान जंजुआ करेंगे। पहले तो उस कमेटी के हवाले से मुख्तसरन बता दें, इस कमेटी के कुल 20 अराकीन होंगे और इसकी सरबराही लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर खान जंजुआ मुशीर कौमी सलामती करेंगे, और जो दूसरे अराकीन हैं उनमें सेक्रेटरी दाखला, वफाकी सेक्रेटरी दाखला, डायरेक्टर जनरल नेक्टा नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, चीफ सेक्रेटरी चारों सूबाई हुकूमतों के, और फिर चारों आईजी पुलिस साहिबान जो हैं वो इस कमेटी में मेंबर होंगे, और सूबाई दाखला सेक्रेटरी दाखला जो सूबों के हैं वो इसके मेंबर होंगे। उसके अलावा एडिशनल सेक्रेटरी वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट एक वो इसके मेंबर होंगे, और इस कमेटी या इस टास्क फोर्स की मुआवनत जो करेंगे वो 3 खुफिया इदारों के एक एक नुमाइंदा इस कमेटी की मुआवनत करेगा, और जो फ़ौज की नुमाइंदगी इस कमेटी में करेंगे वो हैं डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, जो कि फ़ौज की तरफ से इस टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे। इसका काम ये है कि निगरानी की जाए और जो कौमी एक्शन प्लान के 20 नुकात हैं उन पर पेशरफ्त और उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। ये टास्क फोर्स जो आज की जो मीटिंग थी उसके अंदर जो दूसरे अहम मामलात जो डिस्कस किए गए, उसमें एक तो अंदरूनी सलामती और बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए सिविल आर्म फोर्सेस के 29 इजाफी विंग बनाने का फैसला किया गया है। दहशतगर्द तंजीमों को हर किस्म की फंडिंग रोकने के लिए नई कानून साजी का भी फैसला हुआ है, और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और रकूम की तरसील का एक जामे निज़ाम भी वज़ा करने का फैसला हुआ है। पार्लियामेंट से मंजूर शुदा साइबर क्राइम्स बिल पर भी फौरी अमल दरामद के लिए जो है मुख्तलिफ तजावीज़ पर भी गौर किया गया है। ये तो वो अहम फैसले थे जो आज इस्लामाबाद में हुए, पहले कौमी एक्शन प्लान और आज उस पर अमल दरामद के लिए बाकायदा एक कमेटी भी बना दी गई है। मैं चाहूँगा आज इसी हवाले से बात करें, और मुख्तलिफ सवालात हैं जो हमारे सामने उठ रहे हैं कि क्या 1.5 साल बाद इस अमल दरामद कमेटी को जो तश्कील दिया गया है, तो 1.5 साल के दौरान इस कमेटी के बग़ैर कौमी एक्शन प्लान पर क्या होता रहा, और फिर ये मामला जो है सियासतदानों ने तय किया था, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में तय हुआ था, कौमी एक्शन प्लान पर इत्तफाक सियासतदानों का था, मगर इस पर अमल दरामद के लिए जो कमेटी बनाई गई है वो टेक्नोक्रेट्स की है, वो माहरीन की है, और इसमें सियासतदानों की ओनरशिप नहीं है, और ख़ासकर इसकी सरबराही एक मुशीर कर रहे हैं जो ख़ुद एक वफाकी वज़ीर भी नहीं है, और आखिर वज़ीर दाखला इस कमेटी के रुकन क्यों नहीं है, और फिर उसके बाद क्या कोई और वफाकी वज़ीर या प्राइम मिनिस्टर ख़ुद इस कमेटी की सरबराही नहीं कर सकते थे। ये वो सवाल हैं जो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। मेहमानों का तारफ़ कराते चले, हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ अब्बासी जो कि रुकन सूबाई असम्बली हैं पंजाब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं चौधरी असदुर रहमान जो रुकन कौमी असम्बली हैं, मुस्लिम लीग नून हुक्मरान जमात से इनका ताल्लुक़ है, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सईद नज़ीर जो दिफाई तजिया कार हैं, हमें
کراچی سے براہ راست جوائن کر رہے ہیں سینیٹر صابر بلوچ جو سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. میں سب سے پہلے تو چاہوں گا بریگیڈیئر صاحب سے ہی گفتگو کا آغاز کرنا, کیونکہ اگر بات اب ٹیکنوکریٹس پر آ ہی گئی ہے تو میرے خیال میں بحث کا آغاز بھی ٹیکنوکریٹ سے ہی کر لینا چاہیے, سیاستدانوں سے بھی ہوتے رہیں گے. بریگیڈیئر صاحب, اس کمیٹی کی جو تشکیل ہے, جو کمپوزیشن ہے, آپ نے دیکھ لی, ایک سابق لیفٹنٹ جنرل اس کی سربراہی کر رہے ہیں اور پھر بیوروکریٹس ہیں اس کمیٹی میں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ڈیڑھ سال بعد اس کمیٹی کا بننا, کیا یہ اعتراف نہیں ہے کہ ڈیڑھ سال تک قومی ایکشن پلان پہ جو ناکامی ہے وہ اس کا اعتراف نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, شکریہ. اصل میں اگر ہم اپنے منصوبوں کو دیکھ لیں پھر اس پر عمل درآمد دیکھ لیں, ہم پالیسیز بڑے اچھے بناتے ہیں لیکن جب ان پر عمل درآمد کی بات آ جاتی ہے تو وہاں پر ہمارا ٹریک ریکارڈ کوئی زیادہ بہتر نہیں ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ کنسنسس بنا تھا تو پولیٹیکل پارٹیز کا بنا تھا اور جو بھی اس میں اختیارات مختلف محکموں کو دیے گئے تھے وہ بھی پارلیمنٹ سے پاس ہوئے تھے اور اس کا اونرشپ سارے پارٹیز نے لیا تھا, سارے پولیٹیکل پورے اسپیکٹرم نے لیا تھا. اس میں یہ نہیں کہہ سکتے یہ صرف حکومت کی ذمہ داری تھی یا اپوزیشن کی بھی ذمہ داری تھی, اور اگر انہوں نے اونرشپ لیا ہوتا تو ابھی تک پارلیمنٹ میں ایک ایسی کمیٹی ہوتی جو ان سب کو فالن کرتے لے آتے کہ بھائی فلانا فلانا کام اس پر پوائنٹ پر ایکشن کیوں نہیں ہوا ہے, اور اگر نہیں ہوا ہے تو کس کی کمزوری ہے اور اس کو اس پر ایکشن کرواتے, لیکن وہ نہیں ہوا. میرے خیال میں کہ ساری ٹو سے دونوں میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سیاسی پارٹیوں کے ہیں اور وہ پارلیمنٹ کے ہیں, لیکن یہ ایک دوسرے کو گرانے یا اپنی اپنی سیاست اپنی اپنی جگہ پر کھیلنا, اگر یہ قومی نیشنل ایکشن پلان ہے تو پھر قوم سب کا ہے, پارلیمنٹ سب کا ہے, اس پر عمل درآمد کی ذمہ داری سب کی ہے, اس لیے کہ صوبائی حکومت ایک جگہ پر. آپ کے خیال میں عمل درآمد کمیٹی اگر بنی بھی تھی اس میں کون کون ہونا چاہیے؟ ان میں ظاہر ہے کہ پولیٹیکل اونرشپ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کسی بھی جنگ میں, جس کو آپ او کرتے ہیں کہ ہمارا جنگ ہے اور پھر جس کے لیے آپ پلان بناتے ہیں اور پلان کی منظوری دیتے ہیں. اور ابھی جو پاکستان پروٹیکشن آرڈن وہ جو ایکسپائر ہو گئے مہینہ پہلے, ہاں وہ کس نے اس کو دینا ہے؟ مزید لائف انہوں نے دینا ہے. پھر یہ جو رینجر کے اختیارات تھے اس کو کون لٹکاتا ہے؟ یہی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو لٹکاتے. پھر جو کوئٹہ کا جو سانحہ تھا وہ ظاہر ہے کہ ایک انٹیلیجنس فیلئر بھی ہے, اس کے علاوہ سیکیورٹی کا لیبس بھی ہے, لیکن صوبائی ذمہ داری بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ. تو جہاں پر آپ ایک قسم کا پلان بناتے ہیں اور پھر اس پر عمل درآمد کے لیے آپ کے پاس ٹولز نہیں ہوتے, اس کا مطلب ہے کہ آپ مبرہ ہو گئے. آپ مبرہ نہیں, قوم کے ساتھ آپ جو ہاتھ دیں. میں چاہوں گا کہ سینیٹر صابر بلوچ صاحب کی طرف جاؤں, کراچی میں جہاں پہ قومی ایکشن پلان کا ایک کافی بڑا حصہ شاید اس پہ عمل درآمد ہونا ہے اور پیپلز پارٹی کے اس کے بڑے سٹیکس ہیں اس میں. اب صابر بلوچ صاحب, یہ جو ٹاسک فورس بنائی گئی ہے جنرل ریٹائرڈ جنجوا صاحب کی سربراہی میں, سارے ٹیکنوکریٹس ہیں, سرکاری ملازمین ہیں, سرکاری افسران ہیں, سینئر بیوروکریٹس ہیں, سیکٹری داخلہ, ہوم سیکٹریز, چیف سیکٹریز, صاحبان جو ہیں, کیا اس کمیٹی کے ہوتے ہوئے قومی ایکشن پلان پر کم از کم سندھ کی حد تک عمل درآمد ممکن ہوگا؟ متی بھائی دیکھیں, یعنی اس چیز کو ہم پہلے دیکھیں کہ جب نیشنل ایکشن پلان جب آر پارٹیز کانفرنس میں جب اس کا فیصلہ ہوا تھا تو سب سے پہلے پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین جناب آصف علی زرداری نے اس نے بڑا ایک ایکٹیو اور ایک مثبت اور ایک بڑا جو ہے نا فروٹفل رول پلے کیا تھا وہاں پہ. یہ بات تو ایڈمٹ کی ہے ہمارے انٹیریئر منسٹر نے چودھری نثار صاحب نے, اور انہوں نے کہا کہ جی کہ بڑی تعریف کی تھی انہوں نے زرداری صاحب کی, اور انہوں نے کہا کہ وہ پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے کہا کہ کسی قسم کی آرگومنٹ نہیں کی, اور انہوں نے کہا کہ جی اس پلان کو کسی بھی صورت میں امپلیمنٹ کرنا ہے اور فوج کو تمام اختیارات دینے ہیں. اچھا اب بات یہ کہ اب نہ
अब ये गवर्नमेंट की बात थी कि भाई गवर्नमेंट किस तरह जो लॉजिस्टिक यानी सपोर्ट देगा, किस तरह फंडिंग करेगा, किस तरह जो है ना इस प्लान को मोबिलाइज करेगा। अच्छा, वो अनफॉर्चुनेटली वो तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने भी कहा कि जी कि इसके इनफेक्टिवनेस की वजह से हमें जो है ना बड़े मुश्किल पेश आए हैं। अच्छा, बात बुनियादी ये है कि अब चूँकि ये तो कॉमन सेंस की बात है कि नेशनल एक्शन प्लान वो नाकाम हो चुका है, जब भी तो उसको मॉनिटर करने के लिए आपको एक और ऊपर जो है ना एक कमेटी बनानी पड़ी। अच्छा, ये वही बात है कि जी एक कमेटी को ख़त्म करने के लिए दूसरी कमेटी बनाई जाती है, तो ये चीज़ों को आसान किया जाता है, चीज़ों को यानी फोर्सेस के लिए लॉ इन्फोर्समेंट इन्फोर्समेंट के लिए, अच्छा, और जो दूसरे जो अब हमारे अदारे हैं उनके लिए चीज़ों को आसान किया जाता है। एक के ऊपर एक कमेटी, एक के ऊपर एक जो है ना चीज़ बनाना, वो मैं समझता हूँ कुछ चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देगा। आप, लेकिन बहरहाल कमेटी काम कर पाएगी? मिसाल के तौर पर आपके सूबे से तीन बंदे होंगे जो इस कमेटी के रुकन होंगे, एक तो आपके चीफ सेक्रेटरी होंगे, एक आपके सूबे के आई जी पुलिस होंगे, एक आपके सेक्रेटरी दाखला होम सेक्रेटरी होंगे, वो होंगे ये तीन बंदे जो कि आपके सूबे से होंगे। तो क्या ये तीन बंदे आज़ादाना तौर पे अमल दरामद करवाने की पोजीशन में होंगे कौमी एक्शन प्लान पर, या वो इस हवाले से आपको जवाबदेह होंगे आपकी सियासी हुकूमत को? वही तो बात मैं अर्ज कर रहा हूँ आपको। देखो, ये जो तीनों मेंबर्स सिंध से भी हैं, फ्रंटियर से, बलूचिस्तान से, अच्छा खैबर पख्तूनख्वा से, सॉरी, अच्छा बात ही पंजाब से, लेकिन बात यह कि ये तो कमेटी ये कंसिस्ट करती है ब्यूरोक्रेट्स पे, चीफ सेक्रेटरी, आईजी पुलिस, अच्छा ये ब्यूरोक्रेसी का एक जो है ना एक कमेटी बनाई गई है जो इसको मॉनिटर करेगा। अच्छा, इसमें पॉलिटिशियंस की, सियासतदानों की किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना चीफ मिनिस्टर्स की है, ना किसी और की है। बहरहाल बात यह है कि चूंकि अब ब्यूरोक्रेट्स भी इस यानी माशरे का हिस्सा हैं, हमारे सोसाइटी का हिस्सा हैं, उनकी भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं जिस तरह हम सियासतदानों की होती हैं, यानी उनकी सपोर्ट के बगैर, उनकी एक्शन के बगैर चीज़ें उस तरह नहीं संभलती जिस तरह होनी चाहिए। लेट्स होप, मैं ये अभी तो इट्स टू अर्ली कि ये प्रिडक्ट करना कि जी कि ये इनकी परफॉर्मेंस कैसे रहेगी और वो क्या होंगे और क्या करेंगे, लेकिन बात ये कि ये भी फिर भी इसी मौजूदा गवर्नमेंट ने बनाई है। लेकिन एक चीज़ तो वाजह है, एक चीज़ तो साबित तो है ना कि ये नवाज शरीफ और नवाज लीग की गवर्नमेंट की एक फेलियर हुई है, उसकी नाकामी है कि जो आपने एक उसको उस एक्शन प्लान को मॉनिटर करने के लिए आपको कमेटियाँ बनानी पड़ी। अगर वो इस पर टाइम देते, इस पर वक्त देते, इस पर जो है ना सियासत दूसरे सूबे के जो गवर्नमेंट से उन सबको बुला के उनसे मशवरे लेते, उनके मशवरे लेते, उनको मशवरे देते, तो ये कुछ हुआ नहीं है। इसका कुछ इसका मतलब ये है कि नथिंग हैपेंड। इसका ज़िम्मेदार नेशनल आपके नवाज लीग के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उसका इंटीरियर मिनिस्टर है, बजाय इसके कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो है ना लोगों को नाराज़ करें, अपने दोस्तों को नाराज़ करें जो उसके वक्त पे काम आए, छोटी छोटी बातों पे जाएं कि जी के फलाने ने ये हो गया, फलाना ये हो गया, वो दूसरी बातें सोचे, वो बड़ी बातें सोचे, वो नेशनल एक्शन प्लान पे सोचे, वो जो है ना पाकिस्तान में जो लॉलेसनेस है उस पर सोचे, पाकिस्तान में जो मुश्किल है उस पर सोचे, बहुत पिटी चीज़ों पर अपने आप को इन्वॉल्व किया, बहुत ही छोटी चीजों पे अपने इन्वॉल्व किया अपने आप को, इस तरह नहीं चलता मामले। हम अभी कौमी एक्शन प्लान पे बात कर लें, ये जो जाती मामलात हैं इनके ऊपर हम, मैं भी तो कौमी एक्शन प्लान पे ही बात कर रहा हूं, मैं कहता हूं ये तो उसका हिस्सा है ना, बात से बात निकलती है, मैं कहता हूं जिम्मेदारी का एहसास करें अपने। इब्तिदा है ये, इब्तिदा ही आपके सूबे के अंदर होने वाली एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी से हुई थी, आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर की ट्रेजेडी से, जो यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ी नाकामी थी, और चाहे आप माने या ना माने आपकी सूबाई हुकूमत की भी नाकामी थी। तो आपके तो स्टेक्स वैसे भी इस कौमी एक्शन प्लान में ज़्यादा होने चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा के स्टेक्स। अब डेढ़ साल बाद ये जो टास्क फोर्स बन रही है, तो क्या ये नाकामी महज फेडरल गवर्नमेंट की है या आपकी सूबाई हुकूमत की भी है कि आज जो है उस पर अमल दरामद के लिए एक टास्क फोर्स बनानी पड़ रही है, और वो भी बाबुओं पर मुश्तमिल टास्क फोर्स जिसमें कोई पोलिटिकल ऑनरशिप बज़ाहिर नहीं लग रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जनाब। देखें, मेरा एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से या एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से ये ईमान की हद तक मानना है कि हमारे आइन के बाद जो सबसे अहम दस्तावेजात थी जिस पर पूरी कौम मुत्तफिक थी और कौम की ज़रूरत थी, ये हमारा नेशनल एक्शन प्लान था 20 नुक्ते। इसकी सीरियसनेस
उस टाइम इतनी थी कि कौम पूरी अफसरदा थी, एक गम में डूबे हुए थे, सारी क़यादत इकट्ठी हुई, कौम खुश हुई कि शायद हम आगे बढ़े। लेकिन बदकिस्मती से उसको कागज़ों की हद तक तो सीरियस रखा गया, लेकिन मैदान में इस पर हम सब, मैं कहता हूँ पूरी कौम इसमें इन्वॉल्व है, हमें भी पूछना चाहिए था आपके हुक्मरानों से, चाहे वो प्रोविंशियल के हैं या नेशनल के हैं, कि क्या हुआ, बच्चे मर गए, उसके बाद एक प्लान बना और ख़त्म हो गया। और इस पे आप देखें, आप अपनी पीटीआई की बात, पीटीआई हम बिल्कुल, हमें भी, हमें भी क्या मौका है स्टार्स, हमारा मौका यह है कि इसकी देखें जो संजीदगी की आदि है कि इसका हर महीने जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल उसका इजलास होना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए था। आपने एक प्लान बनाया, आपने अदालतें बनाई, आपने फिर एक कानून बनाया जो अब ख़त्म हो चुका है पिछले महीने डेढ़ से, तो उस पर कितना अमल दरामद हुआ, उस पर आपने रिसोर्स जमा किए, नेक्टा को अभी तक पैसे नहीं मिले, हुकूमत की संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जैसे बदकिस्मती से हम शायद अपने कद से ऊपर नहीं उठ सके, ना हम अपने ज़ाती मफाद से ऊपर उठ सकते हैं, ना हम सियासी मफाद से, आप अपने तौर पे मैं तो तस्लीम भी कर रहे हैं, हम मैं बिल्कुल इसमें हम सबकी आपकी पार्टी और सारी पार्टी सारी, देखो पाकिस्तान, जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की सालमियत की बात करते हैं, फिर आपको सियासत से ऊपर उठना है, फिर आपके ज़ाती मफाद इन एक्शन की जिम्मेदारी, हम सब पाकिस्तान इसकी जिम्मेदारी देते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर हमारे साथ चौधरी असदुर्रहमान साहब हैं, अपना गरेबान में हम बात कर रहे हैं कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए खसूसी टास्क फोर्स की तश्कील के हवाले से। चौधरी असदुर्रहमान रुकन कौमी असम्बली हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, ये बताएँ कि आप की हकूमत ने नेक्टा के इदारे को भी फ़ाल करने के लिए बारहा ऐलान किए, अब डेढ़ साल बाद एक और साने के बाद आप अमल दरामद कमेटी बना रहे हैं, तो ये अमल दरामद कमेटी क्या पेशावर के पहले साने के बाद नहीं बननी चाहिए थी जब कौमी एक्शन प्लान बना था? आज डेढ़ साल बाद आपको इस कौमी एक्शन प्लान पे अमल दरामद के लिए टास्क फोर्स बनाने का कैसे ख्याल आ गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि कौमी एक्शन प्लान पर अमल नहीं हुआ, ये कौमी लाहमल था, 20 नकाती है मेरे सामने पड़े हैं। ये तो फिर टास्क फोर्स की जरूरत क्यों? मैं उस पर अर्ज़ करता हूँ अपनी कि टास्क फोर्स बनी है वो उसकी मॉनिटरिंग के लिए, अमल दरामद के लिए नहीं। अच्छा। जो हम जो काम उस पर हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग करेंगे कि कहाँ कहाँ कोई कोताही रह गई है या कहाँ कहाँ बेहतरी हो सकती है, ये नहीं कि उस पर काम नहीं हुआ। देखें जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है ये बेसिकली जो है ये इम्प्लीमेंटेशन कमेटी ऑफ नेशनल एक्शन प्लान, ये जो सरकारी प्रेस रिलीज है इसमें इम्प्लीमेंटेशन कमेटी कहा गया है। इम्प्लीमेंटेशन तो हो रही है इस पे, ये नाम आपने हाईएस्ट लेवल पे है। मैंने अच्छा बहरहाल आप कह रहे हैं कि अभी भी अमल दरामद का अख्तियार नहीं, आप ये कह रहे हैं इस कमेटी के पास? नहीं नहीं, अमल दरामद तो हो रहा है, मैं अब पढ़ देता हूँ कि किस किस निकात पे अमल दरामद हो चुका है। पहले तो सर ये फैसले का बताएं ना, इस कमेटी का दायरे कार क्या है, ये बताएं। मैं जाहिर है कि फैसले में तो शामिल नहीं था और मैंने जो प्रेस रिलीज अभी आपने मुझे दी है मैं उसी में से पढ़ा है, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग, इसको अमल दरामद की मॉनिटरिंग टास्क फोर्स को लिखा, अमल दरामद कमेटी नहीं है, अमल दरामद की मॉनिटरिंग टास्क फोर्स, यानी अमल दरामद जो हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग के लिए ये टास्क फोर्स है, अमल दरामद की कमेटी नहीं है। अमल दरामद तो सारे अदारे कर रहे हैं, ये मेरी देख जो इस लिहाज में फैसला किया कि नासिर खान जंजुआ नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की मॉनिटरिंग टास्क फोर्स के बनाऊंगे, तो मैं ये कहता हूँ अमल दरामद हो रहा है लेकिन उसकी एक मॉनिटरिंग के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई है, अमल दरामद का जायजा लेने के अच्छा। लिए ज़ाहरा के हर कौम को अपने अमाल का जायजा, ये बेसिकली एक क्लरिकल कमेटी होगी, नहीं क्लरिकल तो इंफॉर्मेशन और फाइलों का पेट भर के वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखेगी कि ये हुआ है ये नहीं हुआ। इस पे इत्तफाक नहीं करता, अमल दरामद हो रहा है, देखिए अमल दरामद दी टेस्ट ऑफ द पुटिंग इज इन द ईटिंग, जो डेढ़ साल में आप देखें कि उससे पहले मैं ये गुजारिश करूँगा कि जिस वक्त कोई हुकूमत पहले ये ज़रब अज़म जो किया गया ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उस पर कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं थी पिछले, इसलिए हर एक को पता था कि जब ये किया जाएगा तो वो हिट बैक करेंगे। अच्छा नहीं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी मुझे? इसकी जरूरत ये है इस निगरान कमेटी, मैं समझता हूँ इसकी जरूरत मॉनिटरिंग की, निगरान की, क्योंकि ज़्यादा डेढ़ साल गुजर चुका है। मैं तो समझता हूँ कि हर वक्त मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए,
यानी मैं नहीं कहता कि मॉनिटरिंग नहीं हुई, वो भी एक दूसरे सहने के बाद। नहीं, सहनियाँ तो देखें, पहले सहने कितने होते थे, मैं कहूँगा कि पहले उसके आप दादोशुमार ले लें कि इस एक्शन प्लान के पहले से पहले कितने रोजाना वाकयात होते थे। दादोशुमार पे ना जाए, नहीं नहीं, आदादोशुमार की बात नहीं करता, आदादोशुमार की बात नहीं करता, मैं कहता हूँ कितने हजार आदमी पहले, 50,000 मेरे ख्याल में इस नवाज शरीफ हुकूमत के आने से पहले पाकिस्तानी जो थे, औरतें, बच्चे, बूढ़े, वो शहीद हो चुके थे। अच्छा, और कई हजार आपके ख्याल में कमेटी को पहले बन जाना चाहिए था या नहीं? मैं समझता हूँ कि अमल दरामद की मॉनिटरिंग हर वक्त होनी चाहिए और इसके लिए हुकूमत को भी करना चाहिए। मानते हैं, हाँ, हर वक्त होनी चाहिए भाई, एक लगातार ये मुसलसल। अच्छा, ये बताया ना, इसमें सियासी ओनरशिप, सियासतदान एकदम उन्होंने बाबुओं के हवाले करके कागज फाइलें कुछ साइड पे हो गए, इसके अंदर चौधरी निसार को सरब्राई नहीं करनी चाहिए? नहीं, मैं समझता हूँ, देखिए जी, जो मैं समझता हूँ ना कॉन्स्टिट्यूशन से पॉलिटिकल गवर्नमेंट के, वो जो है प्लान बनाते हैं, वो फैसले करते हैं, उस पर अमल दरामद हमेशा अदारों ने करना होता है और अदारों ने करना, बाकी जो हमें हमारी पार्लियामेंट भी मौजूद है, वो तो अपनी तौर पे उनको इख्तियार है कि वो मॉनिटरिंग करें, लेकिन ये एक अदारा जो मुख्तलिफ अदारे हैं जो इस पर अमल दरामद करना, जिनका असल में काम है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो IGs हैं और जो जो फौज के अदारे हैं, उनके लोग इसमें आए हैं, वो अपनी मॉनिटरिंग, रिपोर्टें मांगी जा सकती थी। बात यह जी कि इसको ज्यादा अहमियत दी गई है क्योंकि एक वाकया और हो गया, हालांकि पहले बहुत ज्यादा कराची में देखो ना, इस एक्शन प्लान का कराची के हालात भी उसका एक थे, कराची के हालात में बहुत बेहतरी आई है मुल्क में, जो पहले जितने टेररिस्ट अटैक्स होते थे या खुदकुश धमाके होते थे, उससे बहुत कमी हो गई है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंतहाई कोशिश के बावजूद ना ये टेररिस्ट अटैक्स ना अमरीका में खत्म हुए हैं ना यूरोप में खत्म हुए हैं, भी हो गए। हमने ये जो कमेटी बनाई है एक साने के बाद बनाई है, और पहला जो एक्शन प्लान बना था वो भी साने के बाद, लेकिन उसकी जरूरत ज्यादा। ब्रिगेडियर साहब, इस कमेटी के अंदर कहा गया है कि हर खुफिया इदारे का एक नुमाइंदा जो है वो मुआवनत करेगा इस कमेटी की। अच्छा, जब तीन खुफिया इदारे हैं, बेसिकली इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ISI है या मिलिट्री इंटेलिजेंस होगी, तो इन इदारों के बारे में तो ये भी कहा गया था कि वो नेक्टा का जो इदारा है उसके तहत एक ज्वाइंट इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट बनना था। अब वो नेक्टा का जो सरबराह है उसको भी बतौर एक मेंबर इसके अंदर डाल दिया गया है, तो आप नहीं समझते कि ये मॉनिटरिंग या इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की बजाय ये काम नेक्टा का था, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी का था, कि वो इस कौमी एक्शन प्लान पे अमल दरामद की एक मेन इदारा होता हो, उसकी निगरानी और उसकी एक्सिक्यूशन के लिए? एग्जैक्टली, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और यही मेरे जहन में भी था और कल भी हम यही डिस्कस कर रहे थे, जब नेक्टा था और नेक्टा के एक वजूद भी है और उसके लिए लोग भी काम कर रहे हैं और सारा जो एम्फेसिस था वो ये जो अभी इम्प्लीमेंटेशन है मॉनिटरिंग है, तो ये बेसिकली नेक्टा का काम था। और नेक्टा को क्यों फाल नहीं किया गया या नेक्टा को वो रिसोर्सेज या कैपेसिटी बिल्डिंग उसकी क्यों नहीं हुई, और फिर ये जो जिम्मेदारी अब जिस कमेटी को तफवीज़ हो रही है, इस कमेटी का काम नेक्टा से क्यों नहीं लिया गया? अब हम कमेटी पर कमेटी बनाकर तो नेशनल एक्शन प्लान में तेज़ी नहीं ला सकते। तेज़ी लानी है तो आपने एक तो ये है कि जो आपने GIDC की उसकी बात कर दी, जॉइंट इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट, उस पर तकरीबन सारे इदारे जो आपने नाम लिए उन्होंने अपना अपना एक मतलब है कि वो बनाया हुआ है और उस पर कोऑपरेशन मेरे ख्याल में कि कोई ज़्यादा नज़र मुझे नहीं आता। ये पहले भी बहस हुई थी कि हर कोई अपने इंफॉर्मेशन दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहते, उनके अपने कुछ रिजर्वेशन है, तो उस रिजर्वेशन ये जो आपने बात की है तो बड़ी आम है। हाँ। कि ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि नेक्टा के अंदर हमारे खुफिया इदारे शेयर नहीं करना चाहते और वो इस टास्क फोर्स के आगे ला के रख देंगे? ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन होगी जिसमें ये खुफिया इदारे अपना एक एक नुमाइंदा अलहदा अलहदा इस टास्क फोर्स में भेजेगा और नेक्टा के वो साथ वो कोऑर्डिनेशन जो है बजायर नहीं है जो कि अब टास्क फोर्स के लिए वादा किया जा रहा है? देख लो, इसमें जब इंफॉर्मेशन होती है, इंटेलिजेंस होती है, उसमें दो तीन चीज़ें अहम होती है। सबसे पहले बात ये हुई थी कि उसकी सोर्स कौन सी है, तो वो सोर्स अपना क्रेडिट लेती है, एक बात ये। दूसरी बात ये बात होती है
कि वो इंफॉर्मेशन अगर आपने ऑथेंटिक है तो कितने सोर्सेज से मतलब आप ये कह रही हैं सारी क्रेडिट की गेम चल रही है कि जाहिर है मतलब खबरों का क्रेडिट लेना तो ये जिस तरीके से हमारे नाम के साथ तो जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज में क्रेडिट डिसक्रेडिट की बात हो रही है भाई तुमने ये नहीं कर रहे हो वो नहीं कर रहा है नहीं प्रोफेशनल इदारों में तो ऐसे नहीं प्रोफेशनल में नहीं होना इजाजत नहीं होनी चाहिए ये तो इंसानी जानों से नहीं आप भी देख लो आपके पास कुछ ऐसे गैजेट्स हैं जो कि कुछ इदारों के पास है कुछ के पास नहीं है जब हम कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सबकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो ताकि वो अपने अपने जगह पर वो नहीं हो रहा है एक तो ये नहीं ये कमेटी का एक काम है कि भाई ये भी करवा ले कि भाई जो इन्फॉर्मेशन ये जो डायरेक्टरेट बनना था और जहां पर सबके इन्फॉर्मेशन आने थे और फिर वो इन्फॉर्मेशन तब कारामद होती है जब उस पर टाइम वाइज काम हो जाता है अगर वो लैप्स कर जाते हैं तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है एक्शनेबल इंटेलिजेंस की बात होती है बिल्कुल और तीसरी बात मैं ये कर रहा हूँ कि अब निकटा को इसके अंडर करके तो ये तो मतलब सूबाई इदारे भी हैं वो पैरामिसिस भी हैं जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है एग्जैक्टली वो अब इसके अंडर आ गया तो ठीक है आपने एक लिस्ट तो बना लिया लेकिन वो जो एपिक्स कमिटी होगी उनको कौन कंट्रोल करेगा और उनका इनपुट किसके क्योंकि वो तो चीफ मिनिस्टर लेवल है अच्छा कमांडर लेवल है एपिक्स कमिटियों का भी उसका क्या वो भी एक बनी थी एक वो भी बनी थी उसका क्या बनेगा चलें ठीक है हम साबर बलोच साहब की तरफ जाएंगे साबर बलोच साहब ये कौमी एक्शन प्लान का जैसे मैंने पहले कहा था एक बड़ा हिस्सा तो कराची और सिंध की अंदर भी उस पर अमल दरामद होना है वहाँ पर पहले ही रेंजर्स के अख्तियारात से मुतालिक सियासी हुकूमत जो सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत में काफ़ी इख्तलाफात हैं तो अब इस टास्क फोर्स के या इस इम्प्लीमेंटेशन कमेटी या निगरान कमेटी जैसे चौधरी असदुर्रहमान साहब कह रहे हैं इसके बन जाने से क्या हालात में तब्दीली आएगी ऐसी कि जिससे सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के इख्तलाफात एकदम ख़त्म हो जाएंगे और अगर ये कोटा आने के बाद भी ख़त्म नहीं हो रहे तो फिर इसका क्या मतलब लेंगे आम लोग जी देखें कि मैं आपसे एक बात पे एग्री करता हूँ कि नेक्टा की मौजूदगी में इस ये टास्क फो ये जो मॉनिटरिंग फोर्स जो बनाई गई है इसकी क्या ज़रूरत थी अच्छा मॉनिटरिंग फोर्स का एक तो ये कि इसके इख्तियारात इसके जो है ना इसकी जो कंपोजिशन है जो इसकी जो कंपोजिशन है एग्जैक्टली इसकी जो कंपोजिशन है इसके इख्तियारात हैं इसका जो तरीक़ेकार है काम करने का ये तो जो साहब फरमा रहे थे कि जी कि ये सिर्फ मॉनिटर करेंगे भी मॉनिटर क्या करेंगे ये तो एक फोर्स है ये तो एक ताकत है अच्छा अब ये ताकत आपने जो बनाई है ये फोर्स जो बनाई है मॉनिटर करेगी किस चीज़ को मॉनिटर करेगी ये अच्छा कुछ होगा तो मॉनिटर करेगी ना जब डेढ़ साल से कुछ हुआ नहीं है जब नेशनल एक्शन प्लान पर कोई काम ही नहीं हुआ जब नेशनल एक्शन प्लान और सिंध में तो बिल्कुल कुछ नहीं है इनइफेक्टिव जो ना वो बन गया है सिंध में तो कुछ नहीं है मॉनिटर करने के लिए आप क्या मॉनिटर करेंगे आप ये क्या और अगर आपको करना था तो आप नेक्टा की मौजूदगी है नेक्टा में तो हर चीज वाज़े है वो उसको मॉनिटर कर लेता कि देख लेता या प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता या मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर को रिपोर्ट करता लेकिन बात बेसिकली ये है कि देखो ये इसको इसलिए इनइफेक्टिव बनाया गया वो डेलिबरेटली इस गवर्नमेंट ने किया है कि ये बड़े अनडिसाइसिव लोग अच्छा, वैसे बलोच साहब फैसला कर नहीं सकते फैसले की ताकत ये नेक्टा जो है 2008 में आपकी हुकूमत ने बनाई थी नेक्टा 2008 में और पांच साल तक तो आपकी हुकूमत जो है इस नेक्टा के ऊपर वो पंजाबी में कहते हैं ना कुड़ुक मुर्गी की तरह बैठी रही 122 बंदे थे तो आपने इस पांच साल में इस नेक्टा को फाल नहीं बनाया और आज आप कहते हैं ये काम नेक्टा का था देखिए ये आपकी भी तो नहीं ऐसा नहीं है ना ऐसा नहीं है नो ऐसा नहीं है हमारे जमाने में नेक्टा बिल्कुल जो है ना वो बड़ा इफेक्टिव था अब आप सवात देखें सवात आप फंड्स कितने दिए थे सवात आप देखें हमने हमारी गवर्नमेंट ने जरदारी साहब थे हमारे वजीर आजम थे किसी को किसी किस्म की शिकायत नहीं थी आर्मी का भी था कभी फौज ने कभी किसी ने ये कहा कि जी के हमारे पास फंडिंग की कमी है हमारे पास लॉजिस्टिक की कमी है या हमारे पास नहीं ले रहा बताया नहीं था इनको पता ही नहीं चला फंड्स नहीं है नेक्टा के चलें एक भरोसा छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम बात कर रहे हैं आज कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए बनाई गई टास्क फोर्स या इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के प्लान पर अमल दरामद के हवाले से तश्कील दी गई है जिसकी सरबराही कौमी सलामती के मशीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर खान जंजुआ कर रहे हैं हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं सैनेटर साबर बलोच सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के
بلوچ صاحب میرا پہلے والا سوال آپ پی گئے تھے پہلے, میں دہرا دیتا ہوں کہ اتنا بڑا کوئٹہ کا سانحہ ہوا ہے, اب اس کے بعد یہ جو ٹاسک فورس بنی ہے تو اس سے سندھ کی حکومت میں کوئی لچک پیدا ہوگی؟ کیا آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی سینٹ کے اندر جو پوپا کا قانون, پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ کا جو قانون تھا, وہ اس کی مدت پوری ہو گئی ہے جس کے تحت رینجرز کو 90 دن کے لیے ملزمان کو تحویل میں رکھنے کے اختیارات تھے, کیا سینٹ میں آپ کی پارٹی اس قانون کی مدت میں توسیع کے لیے سپورٹ کرے گی, حمایت کرے گی, کوئی عملی کام کرے گی قومی ایکشن پلان کے حوالے سے؟ جی متی بھائی, دیکھیں نا, پیپلز پارٹی ایک ذمہ دار پارٹی ہے, ایک ذمہ دار لیڈرشپ ہے. اچھا, پاکستان کے عوام کے مفاد کے لیے اور پاکستان میں اسٹیبلٹی کے لیے پیپلز پارٹی ہر وہ قدم اٹھائے گی کہ جو ضرورت ہو. ہم اپوزیشن برائے اپوزیشن نہیں کرتے. میں نے پہلے بھی آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ بھائی دیکھو, وہ آپ نے شاید مطلب تھوڑی سی آپ وہ ہو گئے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو, میں نے کہا کہ یہ انڈیسائسو لوگ ہیں. اچھا, اب اگر ٹوڈے آج اگر یہ لوگ, ان میں ذرا سی بھی وہ ہوتی یعنی کیپیبلٹی ہوتی, تو اس قسم کی جو ہے نا فوج کو یا جو ادارے ہیں دوسرے, انہیں اس قسم کے پرابلمز کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. اچھا, اب سینٹ میں جب آپ سینٹ کی بات کی, آپ نے نیشنل اسمبلی میں بات کی, یہ میں آپ کو اشور کروں گا کہ ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہر وہ اقدام اور کی حمایت کرے گی گورنمنٹ کو, کہ جس طرح پہلے بھی کیا ہے, جو پاکستان میں سٹیبلٹی لائے اور جو پاکستان کے عوام کے مفاد میں. یہ پارٹی کی جو ڈیٹینشن پاور ہے, اس قانون کو آپ توسیع دینا چاہے گی آپ کی پارٹی؟ جی, جو رینجرز کی 90 ڈیز کی ڈیٹینشن کی جو اختیارات تھے 90 دن تک کے, وہ آپ اس کو چاہیں گے اس قانون کو توسیع دی جائے؟ رینجرز کی بات کر رہے ہیں؟ جی, رینجرز کے اختیارات جو تھے نا, وہ قانون ختم ہو گیا. لیکن وہ اختیار, دیکھیں بات یہ ہے نا کہ میں سر میں آپ کو ایک عرض کروں, دیکھو رینجرز کو گورنمنٹ, یہ پروویشنل گورنمنٹ کی پروریگیٹو ہوتی ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرے. میں پوپا ایکٹ کی بات کر رہا ہوں, فورسز کے لیے, طاقت کے لیے. لیکن ٹائم, وقت اور جو ہے نا علاقہ جہاں پہ آپریشن کرنا ہے, وہ تو پروینشل گورنمنٹ کی بات ہوتی ہے کہ وہ کتنا وقت ہمیں چاہیے یا کہاں پہ آپ کو کرنا ہے. اس بات کو خامخواہ پولیٹیکلائز کیا گیا, اس بات کو مفت کا جو ہے فیڈرل گورنمنٹ نے یا مرکزی حکومت نے اس کو ایک ایشو بنایا. کوئی ایشو نہیں تھا, یہ ایک دفعہ پرمیشن نہیں ہے, فورتھ ٹائم ہمیشہ جو مناسب سمجھا گیا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی تھوڑا سا گورنمنٹل پروسیجر بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, صاحب دیکھیں, یہ چاروں صوبوں کی ذمہ داری ہے قومی ایکشن پلان پہ عمل درآمد. کیا ایسا ممکن نہیں تھا کہ آپ کی تحریک انصاف ایک رپورٹ جاری کرتی کہ اس نے قومی ایکشن پلان کے تحت جو خیبر پختونخوا حکومت کی ذمہ داریاں تھیں, اس نے کیسے وہ ذمہ داریاں نبھائی؟ آپ کہ صوبے کی طرف سے بھی کوئی ایسا مثالی اقدام نہیں کیا گیا جس کو دوسرے صوبے بھی فالو کرتے؟ کم از کم آپ بتا سکتے ہیں کہ آج قومی ایکشن پلان کے تحت خیبر پختونخوا نے کیا 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 اور کیا پیش رفت ہے, کیا کر دیے؟ ہم سب سے متاثر صوبہ تھے, سب سے جو خوفناک حالات تھے وہ ہمارے صوبے کے تھے, اور ہمارے صوبے نے اور ہمارے صوبے کی سول فورسز نے, پولیس نے اور آرمی نے بھی بہت سفر کیا, بہت قربانیاں دیں. اور میرا خیال ہے کہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے ایک بات کہتا ہوں کہ اس نیشنل ایکشن پلان میں اگر کسی بندے نے کنٹریبیوٹ کیا, کسی ادارے نے, وہ فوج تھی, فوج نے اپنے ایسے کا کام 100% کیا. چلیں آپ اپنی بات کریں. ہم جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا تعلق ہے, ہم انتہائی سنجیدگی سے پہلے دن سے ہم نے اس کو لیا. دیکھیں یہ واقعہ ہمارے مثال کے طور پہ, ہمارے پشاور ہم نے سب سے پہلے دیکھا واقعہ ہوا, ہم نے سب سے پہلے پولیس کو ڈیپولیٹسائز کیا, جو وقت کی سب جہاں سے پشاور والے واقعے کے بعد. نہیں, پہلے ہمارا پلان تھا, لیکن ہم نے زیادہ قومی ایکشن پلان کی بات, قومی ایکشن پلان کیسے نے کیا کیا. آپ اگر وہ 20 نکات پڑھیں, پولیس کو افیکٹو کرنا اور آپ کے سی آئی ڈی جو پولیس کے سورسز کے ذریعے ہوتے ہیں, ان کو ایکٹیو کرنا, مزید بہتر بنانا, یہ نیشنل ایکشن. اس کے باوجود پشاور کا واقعہ ہو گیا. نہیں دیکھو, پشاور کے واقعے کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنا, اور اس کے جو نکات صوبائی تھے اس پہ ہم نے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, پولیس میں
पुलिस के रिसोर्सेज में, पुलिस की ट्रेनिंग में, फिर सीआईडीज की जो उनके महकमे हैं उसमें हमने हर तरह से उनको इम्प्रूव करने की, बेहतर करने की कोशिश की और उसका रिजल्ट है। उसके बाद आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह केपीके में यूनिवर्सिटी वाला एक वाक़ हुआ और इंटरनल शहर में हमारे शहरी इलाके जो है ना काफ़ी महफूज हुए और हमने कभी हिचकिचाए नहीं, हमने किसी जगह सियासत को इन्वॉल्व नहीं होने दिया नेशनल एक्शन प्लान में। और अगर आप कहते हैं तो मैं आपको बकायदा वजीर आला की तरफ से रिपोर्ट भिजवा देता हूँ, बल्कि उनकी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मीडिया को बुला के पिछले डेढ़ साल की कारकर्दगी बताएं। ये आपकी तजवीज़ है, इंशाल्लाह हम अमल दरामद करेंगे। चौधरी असदुर्रहमान साहब, देखें सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वफाकी हुकूमत की है। जब कौमी एक्शन प्लान की बात कर रहे हैं तो हम कौमी क़यादत की बात कर रहे हैं। ये जो तीन चार सेशन हुए हैं कौमी एक्शन प्लान के हवाले से जिसमें आर्मी चीफ ने भी शिरकत की, इसके बाद कुछ तवक्को की जा रही थी कि कोई ठोस चीज़ सामने आएगी, वो तो एक और कमेटी बन गई, एक और कमेटी डाल दी गई है और वो फाइलें और कागजात जो है वो अब नए उनके पेट भरने के लिए। तो ये निगरानी कमेटी और अमल दरामद कमेटी ये क्या है, मतलब इसमें ठोस चीज़ क्या है? देखिए जी, मैं पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर रखता हूँ कि वी आर गवर्न्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। उसके तहत इख्तियारात कुछ मरकजी हुकूमत के हैं और कुछ सूबाई हुकूमतों के हैं, और उसमें मुदाखला आप देख लें कि बार बार अगर सिंध में हमें कार्रवाई करनी पड़ती है तो सूबाई हुकूमत से हमें इजाज़त लेनी पड़ती है और उनके इजाज़त के बगैर वहाँ रेंजर्स तैनात नहीं हो सकते, उनको इख्तियारात नहीं मिल सकते। ये बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर जो है प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, इसलिए उनके अपने इख्तियारात हैं। कौमी एक्शन प्लान तो सारी जमातों ने मिलकर और सारी हुकूमतों ने मिलकर बनाया है, ये नेशनल प्लान है, नेशनल एक्शन प्लान है। ये हर हुकूमत ने, चाहे सूबाई हुकूमतें हों, चाहे सारे अदारे हों जो हुकूमत के मत या मरकज की हुकूमत, लॉ एंड ऑर्डर बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। नेशनल सिक्योरिटी एक नेशनल सब्जेक्ट है। मगर चौधरी साहब, क्या ये बात करेंगे तो जाने दो, मैं आपको डिस्टर्ब किया किस बात में? आप मुझे बात तो करने दें। ये जरूरी नहीं कि वज़ीर आज़म वज़राए आला के साथ रابطے में होते हैं, कि आपने सरकारी में ये बात नहीं कह रहा। मैं कहता हूं कि ये नेशनल एक्शन प्लान था, हर अदारे ने अपने अपने हिस्से का काम इसमें करना था। पहले आपने नेक्टा की बात की है तो मैं उस सिलसिले में ये अपनी वजाहत करना चाहता हूँ कि नेक्टा एक एक्ट है जो नेशनल एक्शन प्लान से पहले बना था और उसने ऐसे प्लान्स बनाने थे और उसका मैंडेट तो बहुत वसी है कि रिसर्च नहीं, मैं बात करता हूँ वो सर्च करे, सब कुछ करे, लेकिन उसके बाद वो सारे प्लान बन गया। नेशनल एक्शन प्लान पे जब अमल दरामद होना, वो नेक्टा की जो फॉर्मेशन से बहुत बाद में हुआ है, तो उसकी ये एक मॉनिटरिंग अथॉरिटी है, ये तो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है ना, जिसका कानून से आइन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो एक मुख्तलिफ इदारों ने मिलकर, उसमें सूबाई हुकूमतें भी शामिल हैं, आईजीज भी हैं, चीफ सेक्रेटरीज भी हैं, उनके नुमाइंदे भी हैं।